So, assalamu alaikum students, this is Umair Siddiqui, your physics, chemistry, maths teacher और जो मर्जी हो जिसका भी लगा दो उर्दू टीचर इस्लामिक टीचर, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है कि जिनको स्टोइचियोमेट्री में प्रॉब्लम होती है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये पिछले दो लेक्चर्स के कंटिन्यूशन में है, ठीक है। तो पिछले दो जो लेक्चर्स थे वो हमारे पहला लेक्चर यानी कि वो जो दो चैप्टर्स हमने कवर किए थे और एक केमिस्ट्री का चैप्टर कवर किया था, ठीक है। तो ये जो पिछले दो वीडियो लेक्चर से ये हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से हैं। और उसमें जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने थ्योरी पार्ट कवर किया था अपना फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह के, वो मैंने कंपाइल किए थे। तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन के न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए थे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको हमेशा से प्रॉब्लम रही है स्टोइचियोमेट्री में, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें ज़रूर कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मोल कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड थिंग इज़ स्टोइचियोमेट्री। बेटा मोल कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि अगर हमें मोल्स वगैरह चीज़ें गिवन होंगी तो उसके थ्रू हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, और अगर हमें मास दिया हुआ हो तो उससे मोल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या वॉल्यूम दिया हुआ हो तो इनफैक्ट उससे भी हम मोल्स निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़ है स्टोइचियोमेट्री। बेटा स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को प्रोनाउंस करने में, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री भी बोल सकते हो, मर्जी है, लिख के सही आना, ठीक है। अब जैसे कि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन लिख कर सही आना है पेपर में, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री के लिए एक चीज़ याद रखना कि इसकी तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनमें से दो तो लाजमी आप याद रखो। पहली कंडीशन याद रखना कि ये होना चाहिए हमेशा, ये स्टोइचियोमेट्री उन चीज़ों पर लगती है, उन रिएक्शंस पे, केमिकल इक्वेशन पे लगती है कि जो कि क्या हों, इररिवर्सिबल हों, जो कि दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते। और सेकेंड थिंग इज़ कि उसमें वो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो, यानी कि उसमें कोई चीज़ रहती ना हो, जिसको हम समटाइम्स कहते हैं ना लिमिटिंग रिएक्टेंट, या कोई ऐसी चीज़ जो बच जाए, ठीक है ना। तो वो नहीं, जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे। तो जिसमें आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाए, रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट बन जाए, तो ये हमारा क्या है कम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, उसके लिए स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। तो हमने थ्योरी पार्ट में ये कवर किया था कि हमने तीन तरह के देखे थे स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, कि अगर आपके पास सवाल में मास दिया हुआ हो और मास ही रिक्वायर्ड हो, ठीक है, एम ए डबल एस, तो आप मास मास रिलेशनशिप लगाओगे, ठीक है। अगर आपके पास एक मास दिया हुआ हो और एक वॉल्यूम दिया हो तो आप वो लगाते हो। और फिर थर्ड होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहोगे तो मैं एक लेक्चर उस पर ही बना दूंगा, ठीक है। पर ये दो चुनों चीज़ें जो हैं वो पेपर्स में आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास सवाल आ गया, हमारे पास मास रिक्वायर्ड है और मास ही गिवन। बेटा ये क्या है हमारे पास, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास मास है, ठीक है। तो हमारे पास मास दिया हुआ है, मास तो मास मास रिलेशनशिप लगेगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन गिवन होगा, ये आपको ये याद रखना, कोई ऐसा मसला नहीं है कि बनाना पड़ेगा, ये गिवन होगा, बस इसको देख लेना कि अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लेना, आमतौर पे बैलेंस देते हैं, एग्जामिनर्स इतने बुरे नहीं होते, ठीक है। चलो तो अब आपको देखो, अब यहाँ पे आपको उसके मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, हर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और इसको ग्राम की बेसिस पे लेना है, ठीक है। क्यों लेते हैं ये अभी नहीं रखो, सिर्फ अब ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी निकालेंगे उसको ग्राम में लिखना है, ठीक है ना। तो बेटा सबका निकालते हैं, पोटेशियम यानी कि के का कितना होता है 39 एटॉमिक मास, एंड में मैंने लेक्चर के एंड में गिवन किया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन कितना होता है 35.5, ऑक्सीजन कितना 16 × 3, ये आप लोगों को आता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। और फिर हमने ऑक्सीजन का निकाला, अब बोलो सर ये क्यों नहीं निकाला आपने, इसमें क्या हुआ। बेटा सवाल में किसकी बात हो रही है, KClO3 और ऑक्सीजन की,
तो बेटा सिर्फ इस पे काम करेंगे, बाकियों को छुएंगे भी नहीं, ठीक है। बच्चा गलती करता है, बाकियों को टच भी नहीं करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने मजीद सॉल्व किया, हमारे पास 3 × 32 कितना हो जाएगा, 96 ग्राम, ये हो जाएगा 245 ग्राम्स ऑफ CLO3। बेटा इस रिएक्शन से हमें ये पता लगता है कि अगर इतना रिएक्टेंट दरकार हो इतना ऑक्सीजन बनाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 245 ग्राम्स ऑफ KCLO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने लिख दिया 245 ग्राम्स ऑफ KCLO3 प्रोड्यूस 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये समझ आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 245 ग्राम्स ऑफ KCLO3। रिवर्स कर दिया मैंने, कहा या तो KCLO3 बना सकता है इतना मास उसका बना सकता है ऑक्सीजन इतनी, या फिर इतना ऑक्सीजन बनेगा इतने मास से, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ें सेम है। ये करने का मकसद क्या था बेटा, ये करने का मकसद ये है कि जो रिक्वायर्ड हो ना, जैसे कि ये, इसको हमेशा अपने राइट हैंड साइड पर रखना, सीधे हाथ से करते हो ना काम, तो हमेशा राइट पे रखना इसको। तो ये लेफ्ट पे था तो मैंने इसको राइट पे ले आया, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। चलो देखते हैं, लिख दिया मैंने 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिक्वायर्ड होगी, प्रिपेयर होगी, इक्वल्स टू कर दिया मैंने 245। ये आपकी स्टोइचियोमेट्री है, ये जो इक्वल्स टू का साइन आ जाता है इसके बाद से आपकी स्टोइचियोमेट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री में करना क्या है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नाम का ये इतना भयानक है, बाकी कुछ भी नहीं होता। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, गिवन इन्फॉर्मेशन बेटा किसकी है, ऑक्सीजन की गिवन है। तो बेटा यहाँ 1 बनाओ किसी तरीके से, यहाँ 96 हटाओ और इसको 1 ग्राम बनाओ किसी भी तरीके से। आप बोलोगे सर क्या करें, हम ऐसा करते हैं बोथ साइड 96 से डिवाइड कर देते हैं। बेटा मैथ में तो दोनों साइड होता है ना, तो क्या होगा 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये कर सकते हैं ना बेटा, ये कर लो सबसे आसान तरीका, ठीक है। नहीं तो क्या करो, 96 को उठाओ, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने यही कर दिया, इस ये 1 ग्राम हो गया, यानी कि जो गिवन है उसको 1 ग्राम कर दो आप, और जो रिक्वायर्ड है उसकी तरफ ले जाओ। तो 245 ग्राम्स अपॉन 96 ऑफ KCLO3 हो गया, ठीक है। चलो अब बोलता है, उसने कहा था कि अब हमें पता लग गया 1 ग्राम इतना बनाएगा KCLO3। अब वो बोलता है अच्छा बताओ 3.2 ग्राम कितना बनेगा, तो मैं बोथ साइड 3.2 ग्राम बना दूंगा, ठीक है। अब दोबारा सवाल को समझो, देखो मैंने इसको 1 ग्राम क्यों किया, ताकि 1 ग्राम का मुझे पता लग जाए। अगर कोई मुझे किसी 1 किलो चीनी की कीमत बता दे तो मैं 10 किलो चीनी कैसे निकालूंगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो उसने 1 ग्राम की कीमत बता दी कि KCLO3 इतना बनाएगा, तो 32 ग्राम्स मिलकर कितना बनाएंगे, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3.2 था, ठीक है, माई मिस्टेक, 3.2 जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा वो 3.2 हो गया। ये तो 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 4.6 ग्राम ऑफ KCLO3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस इतना सा था। अब बोलो सर ये तो वैसे भी निकाल सकते थे, बेटा ये इस सवाल में बहुत इजी है, आगे जाके थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, तो याद रखना। खैर अभी तो जम के करना है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास सवाल क्या है, फाइंड द मास ऑफ N2 यानी कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 14 होता है, ठीक है। N2 का कितना हो गया, 14 28, ठीक है। H2 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 75 ग्राम्स ऑफ NH3। अब यहाँ पे N2 H2 क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट, और NH3 हमें बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट गिवन है आपको, ठीक है। चलो N2 और हमने हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, अगेन देखो मास और मास, मास मास रिलेशनशिप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पर 14 किया मैंने, एन एक 14 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाला कितना बना बेटा, ये हमारा हो गया 28, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 34 आई थिंक, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, अब बेसिक रिलेशनशिप्स आ गई हमारे पास। अब वो पूछता है कि अब हमें मास निकालना है, ठीक है। इस सवाल में एक चीज़ और बन सकती थी,
लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से, वो मैं एंड में डिस्कस करूँगा। वैसे ही पास्ट ईयर पेपर में ऐसे ही आया सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का निकालना है बेटा। गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है? ये है, तो इसको हमेशा लेफ्ट पे रखना है और जो रिक्वायर्ड होगा उसको हमेशा राइट पे। तो बेटा पहले इसको और इसको यूज़ करेंगे नाइट्रोजन निकालने के लिए, फिर इसको और इसको यूज़ करेंगे हाइड्रोजन निकालने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं कहता हूँ कि 34 ग्राम्स जो थे वो किससे बने? 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन से, ठीक है। चलो हमने लिख दिया ये, तो ये इस तरीके से इस प्रोड्यूस को हटा के इक्वल टू लगा दिया मैंने। अब स्टोइचियोमेट्री शुरू हो गई बेटा। जो गिवन होगा उसको वन बनाना है ना, एक किलो चीनी कितने की है याद रखना। तो ये इसको वन बनाना है, तो 34 को ले जाऊँगा इधर वन बनाने के लिए, ले गया मैं, ठीक है। अगला क्या है? अब वो कहता है 70, अगर एक ग्राम इतना नाइट्रोजन बनाए तो बताओ 75 कितना नाइट्रोजन बनाए। तो 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर सो सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मुझे खुद बताओ कि अगर अमोनिया इतनी है और मुझे हाइड्रोजन निकालनी है तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इज़ प्रोड्यूस बाय 6 ग्राम ऑफ O2, ये लिखा हुआ 6 ग्राम, ठीक है। दोबारा इक्वल टू लगा देते हैं। अब क्या, जो गिवन है उसको लेफ्ट पे और जो रिक्वायर्ड है उसको राइट पे, सीधे ऐसे काम करते हैं। और एक किलो चीनी बनानी है, ठीक है। एक किलो चीनी की कीमत यानी कि एक किलो अमोनिया की, एक ग्राम अमोनिया की करनी है, तो ये हमेशा नीचे जाएगा, नीचे गया ये, तो कितना हुआ 6 अपॉन 34। अब वो कहता है 75 ग्राम कितना बनाएगा हाइड्रोजन, तो हमने 75 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे क्या है बेटा? H2, ठीक है, H2। तो ये हमने H2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है थोड़ा सा मुश्किल। देखो यहाँ पे थोड़ी सी, सवाल बड़ा लग रहा है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग हो गई। मास मास रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, समझ जाओ अब क्या है। अब है मास वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम नज़र आ रहा है मुझे? कहीं कहीं वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है। कहता है व्हेन डी नाइट्रोजन जैसे कि केमिस्ट्री, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यानी कि दो नाइट्रोजन, डाई मतलब पेंटा मतलब फाइव ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अ वाइट सॉलिड इज हीटेड, इट प्रोड्यूसेस टू नाइट्रोजन डाईऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, दो ऑक्सीजन वाला, एंड ऑक्सीजन गैसेज प्रोड्यूस, वॉल्यूम कह दिया वॉल्यूम, एट STP व्हेन अ सैंपल ऑफ 54 ग्राम्स। ये क्या है बेटा? मास। ये क्या है बेटा? वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चलो देखते हैं, ये हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। इससे हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। निकालो मॉलिक्यूलर मास, सब तरीका वही है। निकालते हैं 2 × 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कराया हमने, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई कराया और इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल दी। अब क्या बोल रहे हैं हम कि इतना रिएक्टेंट लगेगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, तो हमारे पास इतनी नाइट्रोजन डाईऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। तो अब हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो बेटा पहले इसको इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये चीज़। फिर हम इसको इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? ये चीज़, ठीक है। सेम चीज़ है भाई। अब बोलते हैं 216 ग्राम ऑफ N2O5 प्रोड्यूसेस 184 ग्राम्स ऑफ NO2। बेटा रिक्वायर्ड क्या है NO2? कहाँ रख रहे हैं? सीधे हाथ पे। क्या सीधे हाथ पे है? यस है, कोई मसला नहीं, ऐसे रहने दो, एक वस्तु लगा दो। लगा दिया बेटा, हमेशा गिवन को वन करना होता है, एक किलो चीनी, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे? नीचे ले आए, तो कितना आया? 1 ग्राम ऑफ N2O5 इक्वल्स टू दिस। नाउ अब बेटा हमने, उसने क्या कहा था कि कितना 54 ग्राम कितना बनाएगा? अगर 54 ग्राम ऑफ N2O5 मेरे पास हो, ठीक है, रखा हुआ है, तो बताओ कितना वॉल्यूम बनेगा इसका? वॉल्यूम तो नहीं, हम तो मास निकाल रहे हैं बेटा, पहले मास निकालते हैं। चलो तो यहाँ कितना आया, 54 से मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया हमारे पास? 54 ग्राम ऑफ N2 विल प्रोड्यूस 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए करते हैं, चलो ऑक्सीजन के लिए करते हैं।
अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आ गई, मैंने यहाँ पे मास के साथ ही वॉल्यूम भी निकाल दिया। बेटा मास आ गया, एन टू का मास आ गया, तो मास आ गया तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अब ये पंगा है। और कहता है एट एस टी पी, एस टी पी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम हमेशा कितना होगा बेटा? 22.4 डी एम क्यूब। बेटा डी एम क्यूब बोलो या लीटर बोलो, ठीक है? आप एक किलो दूध लेकर आते हो, एक लीटर जो दूध लाते हो वो एक डी एम क्यूब लाते हो, ठीक है? तो दोनों का मतलब सेम, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस। बेटा नंबर ऑफ मोल्स के एक और फार्मूला होता था कि मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा एक फार्मूला ये भी है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन डी एम क्यूब डिवाइडेड बाई 22.4। बेटा हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, ये हमें पता है, लिखा हुआ है फॉर्मूले का ये। और नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का कोई फार्मूला लग सकता है। चलो इसको रीअरेंज करते हैं। बेटा जो भी मालूम करना है उसको तनतना करो, जो भी मालूम करना है उसको तनतना एक साइड पे कर दो। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस को अकेला करना है, इसको एक साइड पे कहीं ले आओ, ठीक है? कैसे लेकर आएंगे बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये खुद ही अकेला हो जाएगा इक्वल्स टू के उधर। तो क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एस टी पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है? नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस एट एस टी पी इक्वल्स टू, बेटा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन नहीं थे डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन थे। कैसे? कि हमने इसका दूसरा फॉर्मूला लगाया, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसकी जगह पे हमने क्या लिखा? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो बहुत सिंपल फार्मूला है, हम बहुत बार कर चुके हैं एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी देखा था हमने, ठीक है? तो हमने मास इन ग्राम, बेटा मास कितना निकाला हमने? 46, वो पुट कर दो। और NO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? NO2 का कितना होता है? N कितना है? 14, O2 O2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा बेटा? 46, ठीक है? तो 46 अपॉन 46 हो गया मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है? सॉल्व किया तो बेटा ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया? 22.4 लीटर्स और डी एम क्यूब, ठीक है? ये आंसर किस में आएगा? लीटर्स और डी एम क्यूब में। चलिए ये तो हमने निकाला कौन सा? NO2। अब निकालते हैं O2, O2 निकालते हैं। कहता है 216 ग्राम ऑफ N2O5 प्रोड्यूसेस 32 ऑफ O2, 32 ग्राम्स ऑफ O2। हाँ भाई 216 कितना बना रहा है? इतना बना रहा है, ठीक है? बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है? अब वो हमने इक्वल टू लगा दिया क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वो हमेशा राइट में होना चाहिए। बेटा पहले से राइट पर है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट करते हैं, 1 ग्राम ऑफ N2O5, 1 क्यों किया बेटा? 1 किलो चीनी की कीमत कितनी, या 1 किलो चीनी, या ये निकालो कि 1 कप चाय में कितनी चीनी चाहिए। तो बेटा 1 कप चाय में इतनी चीनी चाहिए, निकाल दिया। तो अब वो बोलता है कि मुझे बताओ कि अगर मुझे 54 लोगों के कप की चाय बनानी है, 54 कप्स की चाय बनानी है तो कितने लगेगी? तो बेटा 1 कप की चीनी इतनी, तो बेटा 54 कप्स की चीनी इतनी, ठीक है? समझ आ रहा है यार? बस इजी लिया करो इन चीज़ों को। मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत टेंशन होने लगी थी, यार ये क्या चीज़ आ रही है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है? इजी हो जाओ बिल्कुल। अच्छा कितना है 54 ग्राम्स ऑफ, कितना बनाता है? 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम, क्योंकि बोला था N2NO2 और O2 का वॉल्यूम निकालो। एक का निकाल लिया, O2 का निकालते हैं। कैसा? वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन, रीअरेंज किया तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स को मजीद तोड़ दिया किसमें? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास में, ये लो, ठीक है? अब बेटा मास इन ग्राम कितना आया? इतना आया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? ऑक्सीजन एक कितना होता है? 16, तो दो कितना हो गया? 32, 32। तो बेटा 8 अपॉन 32 मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर आया 5.6 लीटर और डी एम क्यू, ठीक है? कंफर्म कर लो अपने पास भी, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रिपेयर्ड फॉर अमोनिया एयर एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमारा मीथेन गैस है ये CH4 जो हमारे घरों में यूज होती है, ठीक है? बाय फॉलोइंग प्रोसेस, प्रोसेस आगे आएगा भी। इफ अ रिएक्शन वेसल कंटेन्स 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, मास दिया हुआ है, वॉट इज द मैक्सिमम मास ऑफ द साइनाइड?
मास कितना होगा मैक्सिमम, क्या कर रहे हैं, मास से मास निकालेंगे, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है चलो देखते हैं। ओहो, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ ओ टू एंड सी एच फोर, मतलब मास मास रिलेशनशिप भी और वॉल्यूम वॉल्यूम भी रिलेशनशिप, यार ये तो मुश्किल होता जा रहा है। कोई मुश्किल नहीं हो रहा, करते हैं अभी देखो। कहता है ऐड एसटीपी आसान कर दिया, कितना 22.4 वाला फार्मूला लगेगा, एसटीपी जहां देखो लगा दो, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। कहता है अमोनिया, अमोनिया एयर यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं हम, और नेचुरल गैस यानी कि ये, ठीक है। और वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, और क्या बनाता है, वाटर, ठीक है। चलो इसके सबसे पहले मॉलिक्यूलर मासेस लिखते हैं, लिख देते हैं 14 प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, सी कितना कार्बन का, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ये 2 हो गया और ये 16। सॉल्व करेंगे हमारे पास एंड में आता है 34 ग्राम प्लस 96 ग्राम प्लस 32 ग्राम और 54 ग्राम्स। अब बेटा यहाँ पे गिवन है, बेटा हमारे पास होता था ना एक साइड इधर और एक साइड इधर, तो एक साइड इधर तो एक साइड इधर, ऐसे करके हम करते थे। हाइड्रोजन साइनाइड तो खुद ही पूछ रहा है, इसका बताओ। हालांकि गिवन किसका है, सिर्फ इसका गिवन है और मालूम भी यही करना है, ठीक है। दोबारा देखो, हमारे पास ये किसका है, अमोनिया का, इसका मास गिवन और वॉल्यूम यानी कि मास भी पहले मालूम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन और इसका बताओ, यानी कि एक ही साइड की बातें हो रही हैं, तो कोई घबराना नहीं है भाई, क्या मसला हो गया, बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है चलो देखते हैं। फॉर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए काम करते हैं, ठीक है ऑक्सीजन निकाल लें, तो हमेशा किस पे, राइट पे होना चाहिए। कह रहा है कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन साइनाइड बनाने के लिए, तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 96 ग्राम चाहिए होगा। अगर 34 है तो 96 ये डालो, यानी कि अगर 34 ग्राम की चीनी है तो 96 की पत्ती डालो तो जाके इतनी चाय बनेगी, ठीक है तो ये करना है हमें। तो बेटा 34 ग्राम अमोनिया यानी कि चीनी और ऑक्सीजन यानी कि पत्ती कितनी, इतनी डालनी है, इतनी ज़रूरत है, ठीक है तो लिख दिया हमने। अब बेटा हमें अमोनिया की मदद से ऑक्सीजन निकालना है, तो यहाँ दोबारा वही करेंगे कि एक चम्मच चीनी में कितना ऑक्सीजन जाता है, ठीक है ना, सॉरी एक चीनी के साथ तो पत्ती आ रहा था, सॉरी चीनी के साथ पत्ती आ रहा था, तो एक चम्मच चीनी के निकालते हैं, चलो डिवाइड में जाएगा, बहुत आसान हो गया। अब बोलता है 51 के लिए बनाते हैं, तो क्या होगा, 51 यहाँ से आया बेटा, यहाँ इतना अमोनिया यहाँ से लेना है, ठीक है मल्टीप्लाई कराया कितना, 51 ग्राम ऑफ अमोनिया इक्वल टू 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास आंसर आ गया। इसी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे बेटा, पिछले वाले मेथड से, नंबर ऑफ मोल्स वाला पहले फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स को खोलो, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स को खोला तो मास इन ग्राम आया, मास इन ग्राम बेटा कितना है 114, और O2 का कितना होता है बेटा 32 होता है। सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 100.8 लीटर वॉल्यूम आ गया, आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गई बेटा, ये वाली आ गई। अब क्या चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए भी यही करेंगे, चलो आगे देखते हैं। फॉर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया 32 ग्राम, नहीं सर मैं भूल गया पीछे कहीं कुछ क्या लिखा था, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये पत्ती के अलावा कुछ इलायची विलायची डाल ली है, तो बेटा ये इलायची हो गई, ठीक है ना, अगर इतनी चीनी है तो इतनी इलायची भी डालो, तो कश्मीरी चाय बन रही है ना यार, बादाम पिस्ते बोल दो यार जो मर्जी, ठीक है चलो। तो हमारे पास कितना 34 ग्राम ऑफ अमोनिया CH4 रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होता है हमेशा राइट पे, क्या राइट है ये, सीधे हाथ से सलाम करके देखो, हाँ यस राइट है, चलो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू 32 ग्राम्स ऑफ CH4, वन कर देंगे एक चम्मच वाला, ठीक है। तो अभी कितना आया 51 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, मल्टीप्लाई कराया आंसर देखा कितना आया, 48 ग्राम चाहिए होंगे अगर इतना अमोनिया लोगे तो, 48 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, इतने चूल्हे में गैस चाहिए यार, मीथेन गैस है तो फिर मैं इसको बादाम क्यों बना रहा था, चलो कोई बात नहीं। खैर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस इन डीएम क्यूब अपॉन 22, वही फार्मूला लगाया हमने, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर्स, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास किया, मोल्स को तोड़ दिया नंबर ऑफ मोल्स को, तो अब मास इन ग्राम कितना बेटा,
48 ये इधर आ गया, और CH4 का कितना बेटा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया बेटा 16, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। ये लो 48 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 22.4। सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट STP कितना आ गया 67.2 लीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का वॉल्यूम आ गया। अब क्या चीज़ रहती थी, वो कह रहा था व्हाट इज़ द मास, बेटे देखते हैं कहाँ था हमारे पास व्हाट इज़ द मास, व्हाट इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाँ सिमिलरली फॉर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया 54 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू 54 ग्राम्स ऑफ साइनाइड, इक्वल्स टू कर दिया, रिक्वायर्ड था सीधे हाथ पे आ गया, 1 किया इसको हमने, फिर 51 चाहिए था बेटा, वही जो हमें गिवन थी वैल्यू उसी को यूज़ किया हमने, सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया 48 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे इसने वॉल्यूम बोला था नहीं, इसने मास बोला था बेटा, मास निकाल दिया, ठीक है। अच्छा बेटा इसको साथ साथ कर भी लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये आपके पास लेक्चर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में 12 दफ़ा आते रहे, ठीक है, तो इसको करना। नाउ फाइनली, जैसे हर बच्चा डरता है, आई होप कि आज के बाद नहीं डरेगा, असाइनमेंट, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, पहला आता है न्यूमेरिकल, जिंक रिएक्ट्स विद, ठीक है, आई थिंक ये मेरा 2019 में आया था कि 18 में आया, ठीक है। H2SO4 डाइल्यूट एज गिवन, बेटा ये इक्वेशन भी दी हुई है सवाल में, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ मास 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 मास, ठीक है, वॉल्यूम दे दिया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया, ये क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर इसको कैसे करेंगे, बेटा बहुत आसान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो बेटा इक्वल्स टू मोल्स, जितने भी मोल्स हैं वो मास इन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, क्या चीज़ बेटा एवोगैड्रो नंबर NA, कितना होता है बेटा 6.02 एक्सपोनेंट 23, इससे मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ मोल्स को, तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ठीक है, आसान है। फिर भी ना आए तो पूछ लेना कमेंट में, पूछ लेना मुझसे, ठीक है, या अगर प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव का सॉल्यूशन का, ठीक है, लेकिन अभी खुद से करो। तो यहाँ पे मास 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 रिलेशनशिप हुआ और मास वॉल्यूम, ठीक है ना, हो जाएगा आराम से। नाउ फाइंड द मास ऑफ द CH3OH, बेटा ये क्या है, मेथेनॉल है, कच्ची शराब, ठीक है, कच्ची शराब, तो ये मेथेनॉल है, इसका मास बताओ। When 356 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्सड विद 65 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो मास मास दिया हुआ है और मास ही निकालना है, तो क्या होगा मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। अब बेटा तुम बोलो कि सर मुझे ये निकालना है तो मैं इससे निकालूं कि इससे निकालूं, क्योंकि मास तो दोनों के दिए हुए हैं, देखो ना मास तो दोनों के दिए हैं, तो बेटा इसीलिए सवाल में आगे लिखा है ऑल्सो फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसको गौर से सुनना, ऑल्सो फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, इट इज़ द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम टू फॉर्म प्रोडक्ट, बेटा ये वो रिएक्टेंट जो पूरे का पूरा लग जाता है, मिट जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर दूसरे लफ्जों में बोलो द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम टू फॉर्म लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाए और कम से कम प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, यानी कि मतलब प्रोडक्ट बनाकर उसने पूरा अपने आप को ज़ाया कर दिया, तो बेटा कम से कम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो बेटा जब आप पहले इससे और इससे सॉल्व करना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसेस ये करके आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक मास आएगा, किसका बेटा इसका जो रिक्वायर्ड है, तो आपके पास एक आंसर आएगा, मिसाल के तौर पर मैं आई थिंक 400 के अराउंड कुछ आ रहा था, ठीक है, मुझे याद है, तो वो आएगा, उसको रिकॉर्ड कर लेना अपने पास। फिर आपके पास क्या, आप एक बार इसको सॉल्व करो H2 और इससे, फिर आपके पास 500 के करीब को जाएगा आंसर, ठीक है। तो बेटा लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट है, इसका मास जो कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो बोल देना सर किसका 400 वाले का कम आया था, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो रिएक्टेंट है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 100 ग्राम ऑफ के एन ओ थ्री बेटा 2017 में आया, ये भी मैंने देखा है। ठीक है, आप बोलोगे ये कैसे आया सर, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास मास दिया हुआ है, वॉल्यूम लगाना, ठीक है, सॉल्व करके देखना। और आपके पास एस टी पी नहीं दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड क्या होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर 273 और प्रेशर कितना होता है 180 एम। यहाँ पे तो कुछ और दे दिया, तो यहाँ लगेगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। चेक करना किस तरीके से होगा, ठीक है, ये आसान है, थोड़ा सा बस वॉल्यूम निकाल लेना। अब इसको देखना, सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा मास, ठीक है, मास आएगा तो फिर उसको देखना पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। अब प्रेशर पता है एन क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा मास तो आप निकाल चुके होगे मास मास रिलेशनशिप से करके, है ना, तो मास आ गया, इसमें मास आ गया। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटा, कितना 8.314 होती है, ठीक है जी। टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 273 केल्विन होता है। यहाँ पे कितना दिया है, 39 सेंटीग्रेड बेटा, इसमें प्लस कर दो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, 273 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 39, आई डोंट नो कितना होगा, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से वॉल्यूम को तनतना करना तो वॉल्यूम निकल आएगा, कोई इतना लंबा चक्कर नहीं है, घबराना नहीं है, बस नहीं हो छोड़ दो, पूछ लो मुझसे, ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आ चुका है पास पेपर का। इज ऑफन टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इंडस्ट्री। अब यहाँ पे क्या दिया बेटा, मास दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फिर दोबारा टेम्परेचर प्रेशर, बेटा उसी तरीके से होगा पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है ना, तो कर लेना इसको। ये आपको दे दिया मैंने कार्बन का 12, सल्फर का 32, सल्फर इधर लगेगा ना, जिंक का 65.4, ये रहा जिंक, और पोटेशियम, ये रहा पोटेशियम, और नाइट्रोजन का, ये सब एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, तो आई होप कि आपके पेपर्स अच्छे होंगे। थैंक यू, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं, बस अपने करीब देखना कि अगर किसी को ज़रूरत हो अभी लेक्चर्स की तो उसको शेयर कर देना, ठीक है, उसको सजेस्ट कर देना, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।